आज के आपके करंट अफेयर्स 10th जून 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं। 21 जुलाई को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के काउंटिंग होगी, मतलब 18 जुलाई को आपके इलेक्शन होंगे। ठीक है, तो आपके देखो पिछले प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का टर्म जुलाई 24th को खत्म हो रहा है, तो प्रेसिडेंट के रिटायर होने से पहले अगला प्रेसिडेंट आपका चुन लिया जाता है। ठीक है, ये क्यों है और क्या सिस्टम है इसके बारे सारी बात करते हैं। देखो, जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि इंडिया के नाम पे जो भी फैसले लिए जाएंगे, मतलब इंडिया के जो भी फैसले लिए जाएंगे वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। इसलिए प्रेसिडेंट, यूनियन गवर्नमेंट के हर डॉक्यूमेंट पे प्रेसिडेंट का साइन जरूरी है। इस कारण आपके प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी खाली नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट का जो टर्म कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है वो 5 साल का, 5 ईयर्स का टर्म मिलता है आपके प्रेसिडेंट को। ठीक है, तब ये जो 5 साल का टर्म है ये किस तरीके से, 5 साल का जब टर्म खत्म होता है कैसे इलेक्शन होते हैं वो सब। देखो, सबसे पहले प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ कौन सकता है, क्वालिफिकेशन की बात करें। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के क्राइटेरिया 3 है। एक है कि उसे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, कोई फॉरेन का सिटीजन ऑब्वियसली इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। दूसरा, उसकी एज कम से कम 35 साल की होनी चाहिए, 35 ईयर्स का होना चाहिए। तीसरा, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्राइटेरिया छोड़ के रख दिया कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन को ना चेंज करना मुश्किल होता है। अब अगर नहीं तो कल कोई क्राइटेरिया चेंज करना है वो अपने आप मुश्किल हो जाएगा। अगर मुझे इस पूरे प्रोसेस को आसान करना है तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ एक सिंपल प्रोविजन लिख के रख दूं, किसी और चीज से जोड़ दूं। अगर वो प्रोविजन चेंज होगा तो मतलब अपने आप ये चेंज हो जाएगा। अगर कोई और कानून बनेगा वो अपने आप यहां पे हो जाएगा। तो यहां पे एनी अदर क्वालिफिकेशन फॉर लोकसभा, देखो यहां पे हमने क्राइटेरिया जोड़ दिया है कि अगर लोकसभा के लिए कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन जोड़ी जाती है, इसका क्या मतलब है कि लोकसभा के लिए जैसे कोई भी कल चीज हम स्पेसिफाई कर देते हैं, जो लोग लोकसभा की इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कल मिनिमम उन्हें 12वीं पास होना चाहिए, तो वो क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा प्रेसिडेंट के ऊपर भी कि प्रेसिडेंट कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। जो लोकसभा के क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ये सब जो भी लोकसभा के इलेक्शन में जोड़ा अपने आप प्रेसिडेंट के उसके ऊपर लागू। इसके बाद इलेक्शन कैसे होता है, देखो इलेक्शन का जो सिस्टम है, सिस्टम को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, अब ये जो आपका मतलब ये सिस्टम है, कभी भी आपको पेपर में आ सकता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस सिस्टम से होते हैं, ये ना एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम है। आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होते। इसका क्या मतलब होता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कभी भी उसके अंदर जो सिटीजंस ऑफ इंडिया है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करते। आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में हमारे बिहाफ पे कोई और वोट डालता है। कौन डालता है, देखो हम दो लोगों को हम चुनते हैं, हर स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन्हें हम एमएलए कहते हैं, इन्हें हमने चुना। और दूसरी साइड पे आपके चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इनके अंदर एमपी, ठीक है, राज्यसभा के एमपीज को हम डायरेक्टली नहीं चुनते, ठीक है, पर लोकसभा के एमपीज को चुनते हैं। यहां पे जो सारे एमएलए हैं और लोकसभा राज्यसभा, चाहे राज्यसभा को हम डायरेक्टली नहीं भी चुनते, वहां के जो एमपी हैं सारे दोनों हाउसेस के मिला के,
ये फाइनली पार्टिसिपेट करते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनने के, सारी स्टेट्स के एमएलए, तो सारी स्टेट्स एक साथ वोट डालती हैं, मतलब एमएलए सारे एक साथ वोट डालते हैं और आपके एमपी सारे एक साथ वोट डालते हैं। इससे बनता है आपका इलेक्टोरल कॉलेज। देखो इलेक्टोरल कॉलेज उसे बोला जाता है कि किस इलेक्शन में कौन वोट डालता है, उसे कहते हैं उस इलेक्शन का वो इलेक्टोरल कॉलेज है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपके एमएलए वोट डाल रहे हैं और एमपी वोट डाल रहे हैं, तो उस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉलेज ये हो गए। तो यहाँ पे एमएलए सारे इलेक्टेड एमएलए, देखो अब आपके जो एमएलए और एमपी होते हैं ना, ये दो टाइप के हो सकते हैं, ये चुने हुए हो सकते हैं, इलेक्टेड हो सकते हैं या नॉमिनेटेड हो सकते हैं। चुने किसी भी टाइप से हो, चाहे चुने आपके हाँ जी मतलब नहीं जी, अगर दो ऐसी स्टेटमेंट आई तो दोनों सही होगी क्योंकि उन्होंने एक ही लाइन को दो हिस्सों में तोड़ दिया ना, तो दोनों करेक्ट होंगे। देखो इलेक्शन दो टाइप से होते हैं, ठीक है, आपके इलेक्शंस डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन जिसमें पीपल ऑफ इंडिया चुनते हैं लोगों को, जैसे आपके मैंने आपको बताया लोकसभा और आपकी सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो एमएलए हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस में कोई और चुन रहा है, जैसे कि आपके राज्यसभा, राज्यसभा के इलेक्शंस की बात में बात करेंगे, वो भी अभी कुछ दिनों में करंट अफेयर आ जाएगा, उसके भी आजकल इलेक्शन की बात चल रही है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्शन किसी भी टाइप से हो, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, या तो स्टेट्स के अंदर आपका गवर्नर नॉमिनेट कर रहा होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, या सेंटर में जैसे राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज में याद रखना सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं दोनों, इलेक्टेड एमएलए, इलेक्टेड एमपी, ये सब कुछ इस तरीके से काम करते हैं, क्लियर है। तो ये सब कुछ इस तरीके से काम, कोई भी डाउट सर दोबारा बता दो। इलेक्टोरल कॉलेज, देखो इलेक्टोरल कॉलेज होता है कि बेसिकली वोट कौन डालेगा, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं आपके इलेक्टेड एमएलए और इलेक्टेड एमपी। अगर पेपर में स्टेटमेंट आ गई ऑल एमएलए या ऑल एमपी, वो गलत होगी क्योंकि ऑल के अंदर इलेक्टेड भी आ जाते हैं और नॉमिनेटेड भी आ जाते हैं। नॉमिनेटेड एलिजिबल नहीं होते वोट डालने के लिए, सिर्फ इलेक्टेड एमपी और एमएलए ही वोट डालते हैं, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो जैसे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, या इनडायरेक्टली हो जैसे राज्यसभा, नॉमिनेटेड नहीं वोट डालते, ठीक है। फाइनली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये जो सिस्टम है ना, ये सबसे आइडल सिस्टम माना जाता है वोटिंग करवाने के लिए, क्योंकि इसमें वो पर्सन ही जीतता है जो सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा। एमपी और एमएलए के अपने अपने फॉर्मूलाज भी होते हैं कि उनकी वोट किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी, टोटल पॉपुलेशन पे बेस्ड होता है एमएलए का, ठीक है, नंबर ऑफ एमएलए डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन, और दूसरी साइड पे आपका एमपीज का फॉर्मूला टोटल एमएलएज इंडिया में कितने हैं उसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है, एमपीज कितने हैं डिवाइडेड बाय एमएलए सारे इंडिया में कितने हैं, उस चीज का इनटू 1/1000 एमएलए के फॉर्मूला में, ठीक है। वो भी अब ये सारी चीजें आपके आर्टिकल 62 में दी हुई हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे चुना जाए। 5 साल का टर्म होता है और क्योंकि ऑफिस खाली नहीं रह सकता, इसी कारण उससे पहले, खत्म होने से पहले ही इलेक्शन दोबारा से हो जाते हैं। अगर किसी मजबूरी से 5 साल का टर्म एक्सीड हो जाए, लेट्स सपोज वॉर चल रही है, तब तो नहीं इलेक्शन करवा पाओगे, तब इलेक्शन नहीं करवा पाओगे, 5 साल एक्सीड हो गए फिर क्या करोगे, इलेक्शन हो नहीं पाए, 5 साल खत्म हो गए फिर क्या करोगे। तो ये प्रोविजन है कि पुराना प्रेसिडेंट कंटिन्यू करता रहता है जब तक नया नहीं चुना जाए, ठीक है। ये हमने टेम्पररी प्रोविजन रखा हुआ है कि अगर किसी सर्कमस्टांस में इलेक्शन नहीं करवा पाए तो हम इस तरीके से सब कुछ कर सकते, क्लियर है, कोई भी डाउट। तो उसमें भी कोई टाइम गिवन है जैसे 6 मंथ्स का कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा वो नहीं होता, मतलब जब भी कंडीशन बनेगी साथ की साथ ही इलेक्शन करवा देने चाहिए, मतलब इसके अंदर वो क्राइटेरिया,
ठीक है, क्लियर है? तो इस क्राइटेरिया से ये सब कुछ स्पेसिफाई करो जब भी हो पाएगा, क्योंकि पता नहीं है ना वॉर कब तक होगी। ठीक है, शायद 6 महीने के अंदर खत्म हो जाए, शायद ना भी खत्म हो। अगर नहीं खत्म हुई तो ऑब्वियसली फिर कंटिन्यू करवाना पड़ेगा, इस कारण उसके एंड डेट नहीं रखी हुई। सेकेंड करंट अफेयर है वन हॉर्न राइनोस के बारे में। देखो, वन हॉर्न राइनोस एक यूनिक स्पीशीज है जो आपके इंडिया के एरिया में ही पाई जाती है। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इंडिया का मतलब इंडिया के आसपास। तो एक हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साइड वन हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं, इसके अलावा आपके नेपाल के अंदर और थोड़े बहुत भूटान के अंदर पाए जाते हैं। तो भूटान, नेपाल, बस यहाँ पे वन हॉर्न राइनोस की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। इसमें से 85% जो इंडियन राइनोस कहते हैं या जिन्हें वन हॉर्न राइनोस कहते हैं, उनकी कंसंट्रेशन असम में ही है, और एक खासकर नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क, उसके अंदर 70% राइनोस की पॉपुलेशन है। देखो, ये ना एक बहुत ही पॉपुलेशन अच्छी खासी है इनकी, हमने ओवर द टाइम एफर्ट कर करके 3588 इंडिविजुअल पॉपुलेशन इनकी कर ली है। ठीक है, ओवरऑल इंडिया और नेपाल को मिला के। अब ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन नंबर में अच्छी है, पर प्रॉब्लम क्या है कि आपके इंडियन राइनोस ना बहुत ही छोटे ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, खासकर जब काजीरंगा के अंदर ही 70% राइनोस पाए जाएंगे तो अपने आप ही बहुत बड़ी। काजीरंगा में अगर कोई बीमारी फैल गई जो राइनोस को इफेक्ट करती है, ऐसा भी हो सकता है 70% एक साथ ही साफ हो जाए। तो बहुत जरूरी है कि इनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी डाइवर्सिफाई की जाए। यही था आपका आज की जो न्यूज थी कि आपके असम के मानस नेशनल पार्क के अंदर ना आपके शिफ्ट किए गए हैं बहुत सारे वन हॉर्न राइनोस, और ये मिशन सक्सेसफुल गया है। वहां पे उनकी पॉपुलेशन फिर से ग्रो करनी शुरू हो गई है और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी उस एरिया में बढ़ गई है, तो वो ज्यादा अच्छा इन्वायरमेंट साबित हो रहा है। तो इसके कारण मानस के अंदर जो ये एक्सपेरिमेंट था, ये कामयाब हुआ। अब धीरे धीरे हम और नेशनल पार्क में भी उन्हें फैलाएंगे तो उनका ज्योग्राफी और बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरीके से वो इस एरिया में रहते हैं। इसके बाद अच्छा देखो, आपकी जो दुनिया में IUCN की रेड लिस्ट है उसमें ये वल्नरेबल पे रैंक होते हैं। अब ये IUCN की रेड लिस्ट क्या है? IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, शॉर्ट में IUCN। अब ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है दुनिया की बायोडाइवर्सिटी की अवेयरनेस फैलाना कि प्लांट्स और एनिमल्स की पॉपुलेशन को कितना खतरा है। उसी के मुताबिक ये एक रेड लिस्ट बनाते हैं कि कौन कहाँ पे फीचर होता है। ठीक है, रेड लिस्ट खतरे वाले जानवर इसके अंदर होते हैं। देखो, जिन्हें कोई खतरा नहीं उसे कहते हैं लीस्ट कंसर्न के जानवर। थोड़ी सी उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी तो उन्हें नियर थ्रेटेंड आएगा। पहले नियर थ्रेटेंड, क्या अब थोड़े से वो खतरे के पास हो रहे हैं, और जब पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी तो उन्हें कहेंगे वो वल्नरेबल है, और ज्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी तो उसे कहेंगे आपके एंडेंजर्ड है, और ज्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, और अगर बिल्कुल ही पॉपुलेशन खत्म होगी तो बस वो फिर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि जानवर कौन सा किस कितने खतरे में है। ठीक है, तो अगर आपके ये स्टेटस के डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आ जाते होते हैं तो IUCN का वल्नरेबल स्टेटस है आपके वन हॉर्न राइनोस के लिए, तो वल्नरेबल रैंक होते हैं इस इंडेक्स के ऊपर। क्लियर है, कोई भी डाउट? ठीक है, थर्ड करंट अफेयर है आपका एलिफेंट के बारे में। अब एलिफेंट आपका जो एनिमल है, खासकर एशियन एलिफेंट हमारे कंसर्न का है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एशियन एलिफेंट ही पाए जाते हैं। तो कर्नाटका की बात की जाए, देखो कर्नाटका के अंदर सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं, वहां पे 6000 से ज्यादा पॉपुलेशन है 2017 के सेंसस में। ठीक है,
2021 में अराउंड 70 की डेथ होगी अलग अलग कारणों के कारण। कई बार तुमने पढ़ा होगा जैसे दो को साल पिछले साल एक्चुअली केस बना था कि एक आपकी प्रेग्नेंट एलिफेंट था उसके वहां पे लोगों ने केरला के अंदर कर्नाटका के अंदर केरला के अंदर हुआ था कि उसके माउथ के अंदर बॉम्ब डाल के तो अंदर बॉम्ब फूटा तो एलिफेंट अंदर से सब जल गया तो डेथ हो गई। ऐसे ही कई बारी इलेक्ट्रिक्यूटेड इलेक्ट्रिक तारों से टकरा के मर गए, ठीक है। कई बारी ट्रेन से टकरा गए, ट्रेन भी ट्रैक से हिल जाती है ऑब्वियसली, पर आपका हाथी भी मर जाता है क्योंकि इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होता है। इस ऐसे बहुत सारे कारणों कारण और कई बीमारी कारण ओल्ड एज के कारण वो डेथ्स भी हैं, तो इस तरीके से काफी ज्यादा डेथ्स हुई हैं। तो ये आपके जो एशियन एलिफेंट्स हैं ये आपके इंडियन कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया जो आपके मलेशिया थाईलैंड कंबोडिया वियतनाम इस एरिया में पाए जाते हैं। तो ये इंडिया से लेके नेपाल सुमात्रा जो इंडोनेशिया का एरिया है वहां पे आइलैंड है सुमात्रा का, ठीक है, और बोर्नियो ये सारे एरिया के बीच बीच में पाए जाते हैं। बोर्नियो भी आपका एक आइलैंड है साउथ ईस्ट में, ठीक है। तो एशियन एलिफेंट लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल है एशिया का। देखो ये इससे बड़े हाथी होते हैं, हाथियों में ये सबसे बड़े नहीं है, सबसे बड़े हाथी अफ्रीका वाले होते हैं, ठीक है, पर एशिया के अंदर सबसे बड़ा लैंड में एनिमल यही है, ठीक है। तो इसके अलावा इनका जो एशियन एलिफेंट का स्टेटस है IUCN रेड लिस्ट पे वो है एंडेंजर्ड। राइनो का क्या स्टेटस था? वल्नरेबल इनका स्टेटस है एंडेंजर्ड, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज इंडिया के अंदर एशियन एलिफेंट के सबसे पुराने सबूत हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ते हैं, जो आपकी पुष्पपति की सील मिली है उसके ऊपर राइनो भी बना हुआ है, एलिफेंट भी बना हुआ है, टाइगर भी बना हुआ है, तो ऐसे और एक बुल बना हुआ है। तो इस तरीके से आपके चार जानवर और नीचे डियर बने हुए हैं, तो ये चार जानवर हो। तो हाथी के बारे में पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों को हाथी के बारे में पता था, एक तो ये फैक्ट। दूसरा इससे ये भी पता है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्थ वेस्ट के एरिया में थी, आज के पाकिस्तान का एरिया हो गया, पंजाब का, हरियाणा का, ये वाला एरिया हो गया। तो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन इस साइड थी यानी कि उस टाइम पे हाथी इन एरियाज में पाए जाते थे, अब नहीं पाए जाते, तो लॉन्ग टर्म में उनकी पॉपुलेशन यहाँ से खत्म होगी या यहाँ से मूव आउट करेगी क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता गया, गर्मी बढ़ती गई, ग्रासलैंड्स खत्म होते गए, जंगल खत्म होते गए, ठीक है। अब अगला जो करंट अफेयर है वो है थाईलैंड के बारे। थाईलैंड एशिया में पहली कंट्री बन गई है, फर्स्ट कंट्री इन एशिया जहां पे मैरुआना को लीगलाइज कर दिया गया। तो मैरुआना आपके जो कैनबिस होता है आपके जिसे वीड भी रेफर कर देते हैं लोकल टर्मिनोलॉजी में, उनका वहां पे उसे ग्रो करना लीगलाइज हो गया है, उसके बाद फूड और ड्रिंक्स में कंज्यूम करना भी लीगलाइज हो गया, ठीक है। इससे क्योंकि थाईलैंड उम्मीद कर रहा है कि इसके कारण एग्रीकल्चर को भी बूम मिलेगा क्योंकि अब किसान ये भी उगा पाएंगे और टूरिस्ट यहाँ पे जो स्मोक करने आएंगे मैरुआना और मैरुआना के प्रोडक्ट्स खाने आएंगे पीने आएंगे, तो अपने आप ही कंजम्पशन के कारण टूरिज्म भी बढ़ेगा, ठीक है। इससे हम इंडिया का एक एक्ट भी पढ़ते हैं, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोपैट्रिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 का। ये जो आपका एक्ट है ये प्रोहिबिट करता है किसी भी पर्सन को प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर कल्टीवेट पोजेस सेल परचेज किसी भी चीज के लिए कोई भी टाइप का ड्रग जिसमें मैरुआना भी इंक्लूडेड है। कोई पर्सन उगा नहीं सकता, बेच नहीं सकता, कैरी नहीं कर सकता, कंज्यूम नहीं कर सकता, हर चीज बैंड है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं था कि इंडिया में ये इंडिपेंडेंट इंडिया में हमेशा से बैंड था। 1985 इस एक्ट के बनने से पहले ना आपके इंडिया के अंदर कोई लेजिस्लेशन नहीं थी नारकोटिक्स की। इंडिया में जो ये कैनबिस है मैरुआना है ये लीगली पिया जाता था, लोग स्मोक इंडिया के अंदर लीगली करते थे, ठीक है। ये उसके बाद में जाके आपके बैन हुआ है 1985 के, क्योंकि अमेरिका ने दुनिया भर में पुश करना शुरू किया कि सारे ड्रग्स को बैन करो, उस प्रेशर के अंडर इंडिया को भी कानून बनाना पड़ा, पर ओरिजिनली आपके इंडिया के अंदर कोई लीगलाइजेशन नहीं थी। इवन आपके जो बहुत पुरानी किताबें हैं जैसे अर्थ वेद, आपके चार वेदों में से एक वेद, उसके अंदर भी कैनबिस स्मोकिंग और खाने के अंदर मिलाने इन सारी चीजों के बारे लिखा हुआ है।
तो एंशियंट टाइम से इंडिया के अंदर मैरिजुआना कंज्यूम किया जा रहा है। 1985 में इसे बैन कर दिया गया था और तब से बैंड है। अब इसे कोई भी ट्रांसपोर्ट स्टोर कुछ भी नहीं कर सकता, कंज्यूम कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये एक लीगल क्राइम है, क्लियर है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर।